इंडिया का मोस्ट फेवरेट कार्टून कैरेक्टर मोटू पतलू के मेन ओनर आज हमारे साथ हैं मिस्टर बजाज। आइए उनसे जानते हैं कि इतने लंबे दशकों से चल रहा ये शो कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। तो सर, सबसे पहले मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगी कि तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदलाव आए हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका। वही बदलाव तो यही है कि पहले कॉमिक्स, फिर वीडियो, फिर एनिमेशन, अब जो है आगे लाइव भी करने की प्लानिंग है। ऐसे चलता रहेगा जब तक लोग, बच्चे पसंद करेंगे, पेरेंट्स पसंद करेंगे। अच्छा, तो सर मोटू पतलू तो फेवरेट कैरेक्टर्स हो गए, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर आने का सोचा है आपने? हमारा भी एक दूसरा कैरेक्टर आ रहे हैं, शेख चिली नूरी जी, डिस्कवरी पे टेलीकास्ट हो रहे हैं। उसके आगे हमारे संपत चंपत पाइपलाइन में है, देवा है और चेलाराम है और चमुंडा है। मतलब है पूरा, जैसे होता है ना एनिमेशन में ही हम, मतलब है पूरा जैसे होता है ना अपने आप को। अच्छा, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब बच्चे जो कि जिनको खुश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार, तो उनके लिए आपने ये मोटू पतलू ही कैसे सोचा कि यही नाम हो सकते हैं? और इससे अच्छा मैगजीन का नाम भी तो हमने लोटपोट रखा है कि भाई लोटपोट, ताकि मतलब है जो है ना पढ़ सुनने में भी आसानी हो। मोटू पतलू, हमारे यहाँ लड़के काम करते थे दो और सब उसको मोटू पतलू बोलते थे, एक को मोटू एक को पतलू, तो वहीं से नाम शुरू हो गया। उसके बाद फिर जो है एक जना बंगाली था, वो कहता बंगाली करेक्टर भी होना चाहिए, तो सीताराम भी आ गया। फिर एक दिन फिर वो होता है ना टीम, वो कहते हैं अब डॉक्टर भी चाहिए, तो डॉक्टर जो है झटका चाहिए, जो आरी से ऑपरेशन करता है इसका नाम ही उसका झटका रखा। तो इस तरह मतलब है जो है ना ये करेक्टर, यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ऐसे ही और करेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जो जो हमारे को क्लिक करता है वो इसको एकदम शुरू कर देते हैं। मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पहले स्क्रिप्टिंग, फिर वो मतलब है चार साल लग जाते हैं इसको डेवलप करने में। तो सर आपने बताया कि आपने अपने पापा के साथ भी काम किया है, तो सर आपको अपने फादर से क्या कुछ सीखने को मिला बहुत स्पेशल, जिससे आपको प्रेरणा मिली कि आप इतना कुछ आगे कर सकते हैं? वो हमारी प्रेरणा नहीं थी, ये फादर की प्रेरणा थी कि उनको जो है उनकी सोच जो है ना जैसे बहुत ऊँची थी कि भाई ये आगे से, जब मैगजीन पेपर का साइज़ भी उन्होंने उसी टाइम छोटा कर दिया कि भाई 50 साल 50 साल बाद पेपर साइज पेपरों में देखना छोटा हो जाएगा। हमने मैगजीन का साइज़ भी उसी से रखा। एक हमारी मैगजीन मायापुरी फिल्म साप्ताहिक भी आ रही है, 2300 इशू हम उसके भी नगार, हर वीकली अनअपडेट प्रिंट चल रहे हैं। तो इसी तरह ही जो है लोटपोट के लिए भी उन्होंने सोचा कि भाई, फिर वो एनिमेशन का जो है 90s में एप्पल कंप्यूटर के बारे में जो है किसी को नहीं पता था, पर उन्होंने अपने सन ग्रैंडसन के लिए, अमन बजाज के लिए 20 एप्पल कंप्यूटर इंपोर्ट किए और उसमें उनको लगा दिया हम ही बनाओ एनिमेशन। तो वो जो काम हो गया वो ज़माने से पहले हो गया। उस टाइम ज़माने को जैसे होता ना कि भाई इतना था नहीं कि भाई एनिमेशन भी होता है या क्या होता है। सर मैं इसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पहले से प्लानिंग कर ली थी, तो क्या आपने भी ऐसी कोई प्लानिंग कर रखी है? वो जो हम अगर उन्हीं की प्लानिंग को आगे कर लें तो हम मतलब है जो है वो भी समझ लीजिए कि पूरा हो है। कि जितनी प्लानिंग वो करके गए हैं कि हमारा जो है न्यूज़ प्रिंट का कोटा दोनों का मिला के 1000 टन था पेपर का, मगर उन्होंने कहा जी क्योंकि हमारे करेक्टर स्वदेशी हैं तो हमारा काम भी देसी होना चाहिए, तो मशीनरी भी जो उन्होंने इंडियन ही ज़्यादा प्रेफर करे। फिर जो है कि अपनी पेपर रिसाइकलिंग यूनिट लगा दिया ताकि ये अपना ही पेपर यूज़ करेंगे रिसाइकल। ये मतलब है 79 की बात है, 69 में तो लोटपोट था, पेपर रिसाइकलिंग यूनिट हमने 69 में शुरू किया, 79 में, और उसमें पेपर निकाला कि अपनी मैगजीन में लगाएंगे। अपनी मैगजीन हो गई तो फिर एसटीसी वालों को सरेंडर कर दिया अपना कोटा 1000 टन का। वो कहते हैं पागल है बजाज, तू वापस क्यों कर रहा है? उन्होंने कहा मेरे पास जब मेरा अपना का देसी काम होता है कस्टम ड्यूटी में क्यों दूँ। अच्छा, तो सर आखिर में मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये बच्चों के लिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल जाता है, बच्चों को अच्छे मैसेजेस देते हैं, तो आप पर्सनली बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि भाई बच्चे जो हैं हंसते रहें, खेलते रहें और इन्जॉय करते रहें, समोसे खाते रहें, और क्या कह सकते हैं।
ओके, तो बच्चों के लिए भी मेन ओनर का खुद ये कहना है कि बच्चे हंसते रहें, खेलते रहें और समोसे ज़रूर खाएं। ओके, थैंक यू सर।